अथाष्टमो अध्याय। भगवान विष्णु योग माया के अधीन क्यों हो गए? ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में सूर्य जी द्वारा उन्हें आद्या शक्ति भगवती की महिमा सुनाना। ऋषय उचु। सागम पम पागम पम पी पा गम महाभाग कथायां तु महाद्भुतः वेद शास्त्र पुराणैश्च निशितं तु सदा बुधः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवः सनातनः नातः परतरं किंचित् ब्रह्माण्डेऽस्मिन् महामते। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों शास्त्रों पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन हैं और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा सृजति लोकान्वित विष्णु पात्यखिलं जगत् रुद्रः संहरते काले त्रयाते त्रिकारणम्। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं, ये तीनों ही इसमें कारण है। एका मूर्ति श्रयो देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रजः सत्वतमोभिश्च संयुक्तः कार्यकारकः। ब्रह्म विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप हैं। ये लोग क्रमशः रज सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। तेषां मध्ये हरिः श्रेष्ठो माधवः पुरुषोत्तमः आदिदेवो जगन्नाथ समर्थः सर्वकर्मसु नान्यः कोऽपि समर्थोऽस्ति विष्णोरतुल तेजसः सकथं स्वपितः स्वामी विवशो योगमायया। उन तीनों में माधव पुरुषोत्तम आदिदेव जगन्नाथ श्रीहरि श्रेष्ठ हैं और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्वसमर्थ अन्य कोई भी नहीं है। उन जगतपति विष्णु को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया। गतं तस्य विज्ञानं जीवतश्चेष्टितं कृतः संदेहोऽयं महाभाग कथयस्मयथा शुभम्। उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई? हे महाभाग, यह महान संदेह उपस्थित है, आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। कासा शक्ति पुरा प्रोक्ता यया विष्णुर्जित प्रभो भूतो जात कथं शक्ता अशक्तिर्वद सुव्रता। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं, उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था। वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उद्भूत हुई और शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाइए। यस्तु सर्वेश्वरो विष्णु वासुदेव जगत गुरु परमात्मा परानंद सच्चिदानंद विग्रह सर्वकृत सर्वभेद श्रेष्ठा विरजः सर्वग्रह शुचे सकथं नित्यानीत परतंत्र परपरः। जो विष्णु है वे तो सबके ईश्वर वासुदेव जगत के गुरु परमात्मा परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद के साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र हैं। वे प्रात पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे अबद्ध हो गए? एतादाश्चर्य भूतो हि संदेहो न परन्तप छिन्धि ज्ञानसिनासूत व्यास शेष्य महामते। हे परमतप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत, हे व्याशिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत वाच।
कह संदेहं फेनक्येनं त्रैलोक्ये सचराचरे मोह्यन्ति मुनयः कामं ब्रह्मपुत्रः सनातनः नारदः कपिलश्चैव प्रश्नेऽस्मिन् मुनिसत्तमः किं ब्रवीमि महाभागा दुर्घटेऽस्मिन् विमर्शने। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके, जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ। देवेशो विष्णु कथित सर्व गह सर्व पाल कह यतो वीराणिदं सर्व उत्पन्नं सचराचरम्। देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। ते सर्वे समुपासन्ते नत्वा देवं परात्परं नारायणं ऋषिकेशं वासुदेवं जनार्दनम्। वे सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। तथा केचिन् महादेवं शंकरं शशिशेखरं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं च शूलपाणिं वृषध्वजम्। कुछ लोग महादेव शंकर शशिशेखर त्रिनेत्र पंचवक्त्र शूलपाणि और वृषभध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। तथा वेदेषु सर्वेषु इतं नाम्नः त्र्यम्बकं कपर्दिनं पंचवक्त्रं कैलासवासनिरतं सर्वशक्ति समन्वितं कृतविन्दयुतं देवं दक्षयज्ञविघातकम्। सभी वेदों में भी त्रियंबक, त्र्यंबक, कपर्दिनी, पंचवक्त्र, गौरी देहार्धधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति समन्वित, भूतगणों से सेवित एवं दक्ष यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से उनका गुणगान किया गया है। तथा सूर्यं वेद वेद सायं प्रातर्दिने दिने मध्याह्ने तु महाभागा सुवन्ति विविधैः स्वैः। हे महाभागो, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः सायं तथा मध्यान्ह काल में संध्या करते हुए विविध प्रकार की स्तुतियों से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। तथा वेदेषु सर्वेषु सूर्योपासनमुत्तमम् परमात्मिति विख्यातम् नाम तस्य महात्मनः अग्निः सर्वत्र वेदेषु संस्तुतो वेदवित्तमः इन्द्रश्चापि त्रिलोकेषु वरुणश्च तथा परः। सभी वेदों में सूर्योपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति की गई है। वहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। यथा गंगा प्रवाहश्च बहुभिः परिवर्तते तथैव सर्वदेवेषु विष्णुः प्रोक्तो महर्षिभिः। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षि द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। त्रिण्येव हि प्रमाणानि पठितानि सुपण्डितैः प्रत्यक्षं चानुमानं च शब्दं चैव तृतीयकम् चत्वार्येवितरे प्राहु उपमानयुक्तानि च अर्थापत्तियुतान्यन्य पञ्च प्राहुर्महाधियः। मनीषी विद्वानों ने तीन प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य न्याय के पंडित चार प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण, परंतु अन्य मीमांसा के विद्वान लोग अर्थपत्ति को लेकर पांच प्रमाण मानते हैं। सप्त पौराणिकाश्चैव प्रवदन्ति मनीषिणः इतः प्रमाणदुर्गेयं यद् ब्रह्म परमं च तत्। पौराणिक विद्वान सात प्रमाण बताते हैं, इन प्रमाणों में भी जो दुर्गेय है वह है परब्रह्म। वितर्कश्चात्र कर्तव्य बुद्ध्या चैव गमेन च
निश्चयात्मिकया योक्त्या विचार्य च पुनः पुनः प्रत्यक्षतस्तु विज्ञानं चिन्त्यं मतिमता सदा दृष्टान्तेनापि सततं शिष्टमार्गानुसारिणा। इसीलिए इस विषय में बुद्धि शास्त्र एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। विद्वांसोऽपि वदन्त्येवं पुराणैः परिगीयते द्रुहिणे सृष्टिशक्तिश्च हरोपालनशक्तिता हरे संहार शक्तिश्च सूर्य शक्ति प्रकाशिका धरा धारण शक्तिश्च शेषे कुर्मे तथैव च। प्रायः सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति और शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। साध्या शक्ति परिणता सर्वस्मिन्या प्रतिष्ठिता तह शक्ति तथा वहन समीरे प्रेरणात्मिका। इस प्रकार एकमात्र वे आद्याशक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्निदेव में दाहकत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति हैं। शिवोऽपि क्षवतां याति कुंडलिन्या विवर्जिता शक्तिहीनस्तु यः कश्चित् असमर्थः स्मृत बुधः। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। एवं सर्वत्र भूतेषु सावरेषु चरेषु च ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्तं ब्रह्माण्डेऽस्मिन् महत्तपः शक्तिहीनं तु निन्द्यं स्यात् वस्तु मात्रं चराचरम् अशक्तः शत्रुविजय त्वमने भोजने तथा। अतएव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हे हैं, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। जहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ रहता है। एवं सर्वगता शक्ति सब्रह्मोति विवेच्यते सोपास्या विविधे सम्यक् विचार्य सुनिया सदा। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदिशक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे तथा उसका चिंतन करे। विष्णु च सात्विकी शक्ति सयाहीनोऽपि कर्म कृत् द्रोहिणे राजसी शक्ति जयहीनो हे श्रेष्ठ कृत् शिवे च तमसी शक्ति सया संहर कारकः इत्युह्यं मनसा सर्वं विचार्य च पुनः पुनः। भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति रहती है जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। और शिव में तामसी शक्ति रहती है जिसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति करोति ब्रह्मांडं सवै पारयति अखिलं इक्षया संहरत्येषा जगदेत चराचरम्। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। न विष्णुर्न हरः शक्रो न ब्रह्मा च पावकः न सूर्यो वरुणः शक्तः स्वे स्वे कार्ये कथञ्चन। उसके बिना विष्णु शिव इंद्र ब्रह्मा अग्नि सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। तया युक्ता हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुरः सैव कार्याणि कार्येषु प्रत्यक्षेण गम्यते। वे देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। सगुणा निर्गुणा सातु द्विधा प्रोक्तमनीषिभिः सगुणा
भी सेव्या निर्गुणा तो विराग्य भी। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा भेद से दो प्रकार का बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना असक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षा स्वामी निराकुला ददाति वंचितान कामन उचिता विधि पूर्वकम्। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति हैं। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। न जानन्ति जना मूढ़ा तां सदा मायया वृतः जानन्तोऽपि नरः केचिन् मोहयन्ति परान्नपि। पंडिताः स्वधरार्थं वे पाखण्डानि पृथक् पृथक् प्रवर्तयन्ति कलेन प्रेरिता मन्दचेतसः। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते, यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मंदबुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। कलावस्मिन् महाभागा नाना भेद समर्थिता नान्ये योग तथा धर्म वेद बाह्या कथचना। हे महाभागो, इस कली में बहुत प्रकार के अवैधिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, दूसरे युगों में नहीं होते। विष्णुश्चरत्य सावक्रम तपोवर्णन्य नेकशः ब्रह्महारस्तयो देव कायन्तः कमपि ध्रुवम्। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव जी भी ऐसा ही ध्यान करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते रहते हैं। काम जाना सदा कामं तित्रयः सर्वदैव हि यजन्ति अज्ञान विभेदान् ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः देवै शक्तिं परां देवीं ब्रह्माख्यां परमात्मिकां ध्यायन्ति मनसा नित्यं नित्यं मत्वा सनातनीम्। इस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं। तस्मात् शक्ति सदा सेव्य विद्वद्भिः कृत निश्चयः निश्चयः सर्वशास्त्राणां ज्ञातव्यो मनुसत्तमः। हे मुनिश्रेष्ठ, तब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चयी विद्वानों के द्वारा वे आदिशक्ति ही सदा सेवनी है। विश्वाक्षुतं मया चैतत्तेन ज्ञातं तु नारद पितुः सकाशात्तेनापि ब्रह्मणा विष्णुवाक्यतः। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वापरायण से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु के मुख से सुना था। न श्रोतव्यं न मन्तव्यं मन्येषां वचनं बुधैः शक्तिरेव सदा सेव्या विद्वद्भिः कृत निश्चयैः। इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बात सुने और न माने तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। प्रत्यक्षमपि दृष्टव्यम् शक्तस्य विचेष्टितम् अतः सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव हि। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि वह कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए सर्वव्यापिनी आदिशक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां प्रथम स्कंधे आराध्य निर्णय वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः।